उपवास व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन करता हूं। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके आचार्य की आज्ञा लेकर कृच्छ आदि व्रतों से अपने शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मासोपवास व्रत का विधान है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखकर 3 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करें। श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करूंगा। सर्वव्यापी श्री हरे, आश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग न हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्पों द्वारा प्रातः, मध्यान्ह एवं सायंकाल श्री विष्णु का पूजन करें और विष्णु संबंधी गान, जप और ध्यान करें। व्रती पुरुष वकवाद का परित्याग करें और धन की इच्छा भी न करें। वो किसी भी व्रतहीन मनुष्य का स्पर्श न करें और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक प्रेरक न बने। उसे 30 दिनों तक देव मंदिर में ही निवास करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तदनंतर उन्हें दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त विधि से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उद्यापन करे। वो वैष्णव यज्ञ करावे अर्थात 13 ब्राह्मणों का पूजन करें। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मण को 13 ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और यज्ञोपवीतों का दान करें। तत्पश्चात शैया पर अपनी और श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान करें एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करें। तदनंतर व्रत करने वाला ये कहे, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्री विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अब मैं विष्णु स्वरूप होता हूं। इसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, देवात्मन, तुम विष्णु के उस रोग शोक रहित परम पद को जाओ जाओ और वहां विष्णु का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थित हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को प्रणाम करके वो शैया आचार्य को दान करे। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक में ले जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वो देश पाप रहित हो जाता है। फिर उस संपूर्ण कुल की बात ही क्या है जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ है। व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसे धृत मिश्रित दुग्ध को पान कराए। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती, ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य दुग्ध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु ही महान औषधि रूप है। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार पाता है। भीष्म पंचक व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक के विषय में कहता हूं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवाधिदेव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावें और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख धृतयुक्त गुक्कुल जलावे। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर धृतसिक्त तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल से पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और संगति भाग दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें।
व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधि, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य का आहार करें। पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हो लेते। इसी से ये भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था, इसलिए ये व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। अगस्त के उपदेश से अर्धदान एवं उनके पूजन का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, महर्षि अगस्त साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्या राशि को प्राप्त न हुए हो किंतु उसके निकट हो, तब 3/1-2 दिन तक उपवास रखकर अगस्त का पूजन करके उन्हें अर्ध ध्यान दें। पहले दिन जब 4 घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत का आरंभ करके प्रदोष काल में अगस्त मुनि की काश पुष्पमयी मूर्ति को कलश पर स्थापित करें और उस कलश स्थित मूर्ति का पूजन करें। अर्ध देने वाले को रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। अगस्त के आवाहन का मंत्र ये है, अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे महामते इमाम मम कृताम पूजाम गृहस्व प्रिययास। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंजमय और महाबुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपा मुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अगस्त का आवाहन करें और उन्हें गंध, पुष्प, फल, जल आदि से अर्थदान दे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त की ओर मुख करके चंदनादि उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल कलश स्थित अगस्त की मूर्ति को किसी जलाशय के समीप ले जाकर निम्नलिखित मंत्र से उन्हें अर्घ समर्पित करें। काश पुष्प के समान उज्ज्वल, अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत, मित्रावरुण के पुत्र, कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त, आपको नमस्कार है, जिन्होंने राक्षस राज आतापी और वातापी का भक्षण कर लिया था तथा समुद्र को सुखा डाला था। वे अगस्त मेरे सम्मुख प्रकट हो। मैं मन, कर्म और वचन से अगस्त की प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकों की आकांक्षा से अगस्त का पूजन करता हूँ। जम्बूद्वीप के बाहर उत्पन्न देवताओं के परम प्रिय समस्त वृक्षों के राजा चंदन को ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, ये पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली एवं पापों का नाश करने वाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली इस पुष्पमाला को आप ग्रहण कीजिए। भगवान, अब ये धूप ग्रहण कीजिए और आप में मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। मुझे इस लोक में मनोवांछित वस्तुएं और परम लोक में शुभ गति प्रदान कीजिए। देवताओं तथा असुरों से भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्ण से युक्त ये अर्थ प्रदान करता हूं। महामुने, मैंने मन में जो अभिलाषा कर रखी थी तदनुसार मैं अगस्त जी को जगाऊंगा। आपको फलार्ध अर्पित करता हूं, इसे ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, इस प्रकार प्रजा संतति तथा बल एवं पुष्टि के लिए सचेष्ट हो, कुदाल या खनित्र से धरती को खोदते रहें। उस उग्र तेजस्वी ऋषि ने दोनों कर्णों, संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का पोषण किया। देवताओं के प्रति उनकी सारी आशीष प्रार्थना सत्य हुई। महान व्रत का पालन करने वाली राजपुत्री अगस्त पत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। यशस्विनी, इस अर्ध को ग्रहण कीजिए। अगस्त के लिए पंचरत्न, सुवर्ण और रजत से युक्त एवं सप्त धान्य से पूर्ण पात्र तथा दधि चंदन से समन्वित अर्ध प्रदान करें। स्त्रियों और शूद्रों को काश पुष्प प्रतिकाश आदि पौराणिक मंत्र से अर्थ देना चाहिए। विसर्जन मंत्र, अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे च सर्वदा इमाम मम कृताम पूजाम गृहत्वा व्रज शांतये। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंज से प्रकाशित और सब कुछ देने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कर शांतिपूर्वक पधारिए। इस प्रकार अगस्त का विसर्जन करके उनके उपदेश से किसी एक धान्य, फल और रस का त्याग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को धृत मिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थों का भोजन करावें और उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दें। इसके बाद उस कुंभ का मुख धृत मिश्रित खीर युक्त पात्र से ढककर उसमें सुवर्ण रखकर वो कलश ब्राह्मण को दान दें।
इस प्रकार 7 वर्षों तक अगस्त को अर्ध देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को, कन्यापति को और राजा पृथ्वी को प्राप्त करता है। कौमुद व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं कौमुद व्रत के विषय में कहता हूं, इसे आश्विन शुक्ल पक्ष में आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाला एकादशी को उपवास करके 1 मास पर्यंत भगवान श्री हरि का पूजन करे। व्रती निम्नलिखित मंत्र से संकल्प करे, आश्विने शुक्ल पक्षे हम कारो हरि जपन, मासमेकं भुक्ति भुक्तये करिष्ये कौमुदं व्रतम्। मैं आश्विन के शुक्ल पक्ष में 1 समय भोजन करके भगवान श्री हरि के मंत्र का जप करता हुआ भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 मास पर्यंत कौमुद व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तदनंतर व्रत के समाप्त होने पर एकादशी को उपवास करें और द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। उनके विग्रह में चंदन, अगर और केसर का अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कलहार एवं मालती पुष्पों से विष्णु की पूजा करें। व्रत करने वाला वाणी को संयम में रखकर तैल पूर्ण दीपक प्रज्वलित करें और दोनों समय खीर, मालपुए तथा लड्डुओं का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का निरंतर जप करें। अंत में ब्राह्मण भोजन करा के क्षमा प्रार्थना पूर्वक व्रत का विसर्जन करें। देव जागरणी या हरि प्रबोधिनी एकादशी तक 1 मास पर्यंत उपवास करने से कौमुद व्रत पूर्ण होता है। इतने ही दिनों का पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है, किंतु इस कौमुद व्रत से उसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है। व्रतदान समुच्चय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं सामान्य व्रतों और दानों के विषय में संक्षेप पूर्वक कहता हूं। प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि वारों, कृतिका आदि नक्षत्रों, विषकुंभ आदि योगों, मेष आदि राशियों और ग्रहण आदि के समय उस काल में जो व्रत, दान एवं तत्संबंधी द्रव्य एवं नियमादि आवश्यक है उसका भी वर्णन करूंगा। व्रत दानोपयोगी द्रव्य और काल सबके अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री विष्णु है। सूर्य, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देवी देवियां श्री हरि की ही विभूति है, इसलिए उनके उपदेश से किया गया व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देने वाला होता है। श्री विष्णु पूजन मंत्र। जगत पत्ते समागच्छ आसनम पाद्य मध्य करम, मधुपर्क चायम चाम स्नानम वस्त्रम गंधकम, पुष्पम धूपम च दीपम च नैवेद्यादि नमुस्तुते। जगतपते आपको नमस्कार है, आइए और आसन, पात्र, अर्ध, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ग्रहण कीजिए। पूजा, व्रत और दान में उपर्युक्त मंत्र से श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। अब दान का सामान्य संकल्प भी सुनो। आज मैं अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा, आप ब्राह्मण देवता को समस्त पापों की शांति, आयु और आरोग्य की वृद्धि, सौभाग्य के उदय, गोत्र और संतति के विस्तार, विजय एवं धन की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और काम के संपादन तथा पापनाश पूर्वक संसार से मोक्ष पाने के लिए विष्णु देवता संबंधी इस द्रव्य का दान करता हूँ। मैं इस दान की प्रतिष्ठा, स्थिरता के लिए आपको ये अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समर्पित करता हूँ। मेरे इस दान से सर्वलोकेश्वर भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न हो। यज्ञ, दान और व्रतों के स्वामी मुझे विद्या तथा यश आदि प्रदान कीजिए। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ और मनोभिलषित वस्तु से संपन्न कीजिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत का दान समुच्चय का पठन अथवा श्रवण करता है वह अभिष्ट वस्तु से युक्त एवं पाप रहित होकर भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव आदि से संबंधित नियम और पूजन से अनेक प्रकार के तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग और मन्मत्सरादि संबंधी व्रतों का अनुष्ठान सिद्ध होता है। धन के प्रकार, देश, काल और पात्र का विचार, पात्र भेद से दान के फल भेद, द्रव्य देवताओं तथा दान विधि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दान धर्मों का वर्णन करता हूँ। सुनो, दान के इष्ट और पूर्त 2 भेद हैं। दान धर्म का आचरण करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर, अन्न का सदाव्रत तथा बगीचे आदि बनवाना,
पूर्त धर्म कहा गया है, जो मुक्ति करने वाला है। अग्निहोत्र तथा सत्य भाषण, वेदों का स्वाध्याय, अतिथि सत्कार और बलि वैश्वव देव, इन्हें इष्ट धर्म कहा गया है। ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ग्रहण काल में, सूर्य की संक्रांति में और द्वादशी आदि तिथियों में जो दान दिया जाता है वो पूर्त है, वो भी स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देश काल और पात्र में दिया हुआ दान करोड़ गुना फल देता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन प्रवेश करने के समय, पुण्यमय विश्व काल में व्यतिपात, तिथि क्षय, युगारंभ, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टकाश्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मन्मतारंभ, वैतृती योग, दुस्वप्न दर्शन, धन एवं ब्राह्मण की प्राप्ति में दान दिया जाता है, अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों अयन और दोनों विषुव, ये चार संक्रांतियां, षडशितमुखा नाम से प्रसिद्ध चार संक्रांतियां तथा विष्णुपदा नाम से विख्यात चार संक्रांतियां, ये 12 संक्रांतियां ही दान के लिए उत्तम मानी गई हैं। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियों में जो सूर्य की संक्रांतियां होती हैं, वे षडशितमुखा कही जाती हैं। वे 86 गुना फल देने वाली है। उत्तरायण और दक्षिणायन संबंधी मकर एवं कर्क की संक्रांतियों के अतीत और अनागत पूर्व या पर घटिकाएं पुण्य मानी गई हैं। कर्क संक्रांति की 30-30 घड़ी और मकर संक्रांति की 20-20 घड़ी पूर्व और पर की भी पुण्य कार्य के लिए विहित है। तुला और मेष की संक्रांति वर्तमान होने पर उसके पूर्वा पर की 10-10 घड़ी का समय पुण्य काल है। षडशितिमुखा संक्रांतियों के व्यतीत होने पर 60 घड़ी का समय पुण्यकाल में ग्राह्य है। विष्णुपदा नाम से प्रसिद्ध संक्रांतियों के पूर्वोपर की 16-16 घड़ियों को पुण्यकाल माना गया है। श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा को एक आश्लेषा के मस्तक भाग अर्थात प्रथम चरण में जब रविवार का योग हो तब ये व्यतिपात योग कहलाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को कृतयुग और वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को त्रेता प्रारंभ हुआ। अब द्वापर के विषय में सुनो। माघ मास की पूर्णिमा को द्वापर युग और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग की उत्पत्ति जाननी चाहिए। मन्वंतरों का आरंभ काल या मन्वाधि तिथियां इस प्रकार जाननी चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ एवं भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक फाल्गुन एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद जो 3 अष्टमी तिथियां आती हैं, उन्हें 3 अष्टका कहा गया है। अष्टमी का अष्टका नाम है। इस अष्टकाओं में दिया हुआ दान अक्षय होता है। गया, गंगा और प्रयाग आदि तीर्थों में तथा मंदिरों में किसी के बिना मांगे दिया हुआ दान उत्तम जाने, किंतु कन्यादान के लिए ये नियम लागू नहीं है। दाता पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। दान देने वाले की आयु बढ़ती है किंतु लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने और प्रतिगृहिता के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करके देय वस्तु का दान किया जाता है। कन्यादान में इसकी 3 आवृत्तियां की जाती है। स्नान और पूजन करके हाथ में जल लेकर उपर्युक्त संकल्प पूर्वक दान दे। सुवर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, ग्रह, कन्या और कपिला गौ का दान दे। ये 10 महादान है। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्य से मिला हुआ संपूर्ण धन दान नहीं, शुल्क रूप है। शिल्प कला से प्राप्त धन भी शुल्क ही है। ब्याज, खेती, वाणिज्य और दूसरे का उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पासे, जुए, चोरी आदि प्रतिरूपक स्वांग बनाने और साहसपूर्ण कर्म से उपार्जित किया हुआ धन तथा छल कपट से पाया हुआ धन, ये 3 प्रकार के धन क्रमशः सात्विक, राजस एवं तामस 3 प्रकार के फल देते हैं। विवाह के समय मिला हुआ, ससुराल को विदा होते समय प्रीति के निमित्त प्राप्त हुआ, पति द्वारा दिया गया, भाई से मिला हुआ, माता से प्राप्त हुआ तथा पिता से मिला हुआ, ये 6 प्रकार के धन स्त्री धन माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ धन शूद्र का होता है। गौ, गृह, शैया और स्त्री, ये अनेक व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए। इनको अनेक व्यक्तियों के साझे में देना पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देने से प्रतिज्ञा कर्ता के 100 कुलों का विनाश हो जाता है।
किसी भी स्थान पर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता आचार्य एवं माता पिता को प्रयत्न पूर्वक समर्पित करना चाहिए। दूसरे से लाभ की इच्छा रख कर दिया हुआ धन निष्फल होता है। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान शील और सद्गुणों से संपन्न हो एवं दूसरों को कभी पीड़ा न पहुंचाता हो वो दान का उत्तम पात्र माना गया है। अज्ञानी मनुष्यों का पालन एवं त्राण करने से वो पात्र कहलाता है। माता को दिया गया दान 100 गुना और पिता को दिया हुआ 1000 गुना होता है। पुत्री और सहोदर भाइयों को दिया हुआ दान अनंत एवं अक्षय होता है। मनुष्यतर प्राणियों को दिया गया दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं। पापात्मा मनुष्य को दिया गया दान अत्यंत निष्फल जानना चाहिए। वर्ण संकर को दिया हुआ दान 2 गुना, शूद्र को दिया हुआ दान 4 गुना, वैश्य अथवा क्षत्रिय को दिया हुआ 8 गुना, ब्राह्मण ब्रूह नाम मात्र के ब्राह्मण को दिया हुआ दान 16 गुना और वेद पाठी ब्राह्मण को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। वेदों के अभिप्राय का बोध कराने वाले आचार्य को दिया हुआ दान अनंत होता है। पुरोहित एवं याजक आदि को दिया हुआ दान अक्षय कहलाता है। धनहीन ब्राह्मण को और यज्ञकर्ता ब्राह्मण को दिया हुआ दान अनंत फलदायक होता है। तपोहीन स्वाध्याय रहित और प्रतिग्रह में रुचि रखने वाला ब्राह्मण जल में पत्थर की नौका पर बैठे हुए के समान है। वो उस प्रस्तरमय नौका के साथ ही डूब जाता है। ब्राह्मण को स्नान एवं जल का उपर्शन करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले को सदैव गायत्री का जप करना चाहिए एवं उसके साथ ही साथ प्रतिग्रहित द्रव्य और देवता का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण से दान ग्रहण करके उच्च स्वर में, क्षत्रिय से दान लेकर मंद स्वर में और वैश्य का प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु होठों को बिना हिलाए जप करें। शूद्र से प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्ति वाचन करें। मुनि श्रेष्ठ, अभय के सर्व देवगण देवता हैं, भूमि के विष्णु देवता हैं, कन्या और दास दासी के देवता प्रजापति कहे गए हैं। गज के देवता भी प्रजापति ही हैं। अश्व के यम, एक खुर वाले पशुओं के सर्व देवगण, महिष के यम, उदिष्ट के नैरिक, धेनु के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़, सिंह एवं वराह के जल देवता हैं। वन्य पशुओं के वायु, जलपात्र और कलश आदि जलाशयों के वरुण, समुद्र से उत्पन्न होने वाले रत्नों तथा स्वर्ण लोहादि धातुओं के अग्नि, पकवान और धान्यों के प्रजापति, सुगंध के गंधर्व, वस्त्र के बृहस्पति, सभी पक्षियों के वायु, विद्या एवं विद्यांगों के ब्रह्मा, पुस्तक आदि की सरस्वती देवी, शिल्प के विश्वकर्मा एवं वृक्षों के वनस्पति देवता है। ये समस्त द्रव्य देवता भगवान श्री हरि के अंग भूत हैं। क्षत्र, कृष्ण मृग चर्म, शैया, रथ, आसन, पादुका तथा वाहन इनके देवता ऊर्ध्वांगिरा, उत्तानांगिरा कहे गए हैं। युद्धोपयोगी सामग्री, शस्त्र और ध्वज आदि के सर्वदेवगण देवता हैं। ग्रह के भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। संपूर्ण पदार्थों के देवता विष्णु अथवा शिव हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्य का नाम ले, फिर ददामी देता हूं ऐसा कहें, फिर संकल्प का जल दान लेने वाले के हाथ में दे। दान में यही विधि बतलाई गई है। प्रतिग्रह लेने वाले ये कहे, विष्णु दाता है, विष्णु ही द्रव्य है और मैं इस दान को ग्रहण करता हूं। ये धर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो, दाता को इससे भोग और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति हो। गुरुजनों, माता पिता और सेवकों के उद्धार के लिए देवताओं और पितरों का पूजन करना हो तो उसके लिए सबसे प्रतिग्रह ले, परंतु उसे अपने उपयोग में न लावे। शूद्र का यह धन यज्ञ कार्य में ग्रहण न करें, क्योंकि उसका फल शूद्र को ही प्राप्त होता है। वृत्ति रहित ब्राह्मण शूद्र से गुड़, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविका विहीन द्विज सबका दान ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से ही अग्नि और सूर्य के समान पवित्र है। इसलिए आपत्ति काल में निंदित पुरुष को पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने से उसको पाप नहीं लगता। कृतयुग में ब्राह्मण के घर जाकर दान दिया जाता है, त्रेता में अपने घर बुलाकर, द्वापर में मांगने पर और कलयुग में अनुगमन करने पर दिया जाता है। समुद्र का पार मिल सकता है, किंतु दान का अंत नहीं मिल सकता। दाता मन ही मन सतपात्र के उपदेश से निम्नलिखित संकल्प करके भूमि पर जल छोड़े, आज मैं चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण या संक्रांति के समय गंगा, गया अथवा प्रयाग आदि
अनंत गुण संपन्न तीर्थ देश में अमुक गोत्र वाले वेद वेदांग देववेत्ता महात्मा एवं सतपात्र अमुक शर्मा को विष्णु रुद्र अथवा जो देवता हूँ उन देवता संबंधी अमुक महाद्रव्य कीर्ति विद्या महति कामना सौभाग्य और आरोग्य के उदय के लिए समस्त पापों की शांति एवं स्वर्ग के लिए भोग और मोक्ष के प्राप्तार्थ आपको दान करता हूँ। इससे देवलोक अंतरिक्ष और भूमि संबंधी समस्त उत्पातों का विनाश करने वाले मंगलमय श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक प्रदान करें। तदनंतर ये संकल्प पढ़े, अमुक नाम और गोत्र वाले ब्राह्मण अमुक शर्मा को मैं इस दान की प्रतिष्ठा के निमित्त सुवर्ण की दक्षिणा देता हूँ। इस दान वाक्य से समस्त दान दे। 16 महादानों के नाम, 10 मेरुदान, 10 धेनुदान और विविध गोदानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं सभी प्रकार के दानों का वर्णन करता हूँ। 16 महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुला पुरुष दान, फिर हिरण्य गर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष दान, पांचवा सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनु का दान, सातवां स्वर्ण निर्मित अश्व का दान, स्वर्णमय अश्वयुक्त रथ का दान, स्वर्ण रचित हस्ती रथ का दान, पांचों हलों का दान, भूमि दान, विश्व चक्र दान, कल्पलता दान, उत्तम सप्त समुद्र दान, रत्नधेनु दान और जलपूर्ण कुंभ दान। ये दान शुभ दिनों में मंडलाकार मंडप में देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण को देने चाहिए। मेरुदान भी पुण्यप्रद है। मेरु 10 माने गए हैं, उन्हें सुनो। धान्य मेरु 1000 द्रोण धान्य का उत्तम माना गया है, 500 द्रोण का मध्यम और 250 द्रोण का अधम माना गया है। लवणाचल 16 द्रोण का बनाना चाहिए, वही उत्तम माना गया है। गुड़ पर्वत 10 भार का उत्तम माना गया है, 5 भार का मध्यम और 2.5 भार का निकृष्ट कहा जाता है। स्वर्ण मेरु 1000 पल का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का निकृष्ट माना गया है। तील पर्वत का क्रमशः 10 द्रोण का उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का निकृष्ट कहा गया है। कारपास रुई पर्वत 20 भार का उत्तम, 10 भार का मध्यम तथा 5 भार का निकृष्ट है। 20 धृतपूर्ण कुंभों का उत्तम धृताचल होता है। रजत पर्वत 10000 पल का उत्तम माना गया है। शर्कराचल 8 भार का उत्तम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का मंद माना गया है। अब मैं धेनुओं का वर्णन करता हूं, जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहली गुड़ धेनु होती है, दूसरी धृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, पांचवी शिर धेनु, छठी मधु धेनु, सातवीं शर्करा धेनु, आठवीं दधि धेनु, नवी रस धेनु और दसवीं गो रूपेण कल्पित कृष्णाजिन धेनु। इनके दान की विधि ये बतलाई जाती है कि तरल पदार्थ संबंधी धेनुओं के प्रतिनिधि रूप में घड़ों में उन पदार्थों को भरकर कुंभदान करने चाहिए और अन्य धातुओं के रूप में उन द्रव्यों की राशि का दान करना चाहिए। कृष्णाजि धेनु के दान की विधि ये है, गोबर से लिपि पुती भूमि पर सब ओर दर्भ बिछा कर उसके ऊपर 4 हाथ का कृष्ण मृग चर्म रखें। इसी प्रकार उसकी ग्रीवा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इसी प्रकार गोवत्स के स्थान पर छोटे आकार का कृष्ण मृग चर्म स्थापित करें। वत्स सहित धेनु का मुख पूर्व की ओर और पैर उत्तर दिशा की ओर समझें। 4 भार गुड़ की गुड़ धेनु सदा ही उत्तम मानी गई है। 1 भार गुड़ का गोवत्स बनावे। 2 भार की गौ मध्यम होती है, उसमें 7 आधे भार का बछड़ा होना चाहिए। 1 भार की गौ कनिष्ठ कही जाती है, इसके चतुरांश का वत्स इसके साथ देना चाहिए। गुड़ धेनु अपने गुड़ संग्रह के अनुसार बना लेनी चाहिए। 5 गुंजा का 1 माशा होता है और माशे का 1 सुवर्ण होता है। 4 सुवर्ण का पल और 100 पल की तुला मानी गई। 20 तुला का 1 भार होता है एवं 4 आढ़क 64 पल का 1 द्रोण होता है। गुड़ निर्मित धेनु और वत्स को श्वेत एवं सूक्ष्म वस्त्र से ढकना चाहिए। उनके कानों के स्थान में सीप, चरण स्थान में इक, नेत्र स्थान में पवित्र मौक्तिक, अलका के स्थान पर श्वेत सूत्र, गलकंबल के स्थान पर सफेद कंबल, पृष्ठभाग के स्थान पर ताम्र, रोम स्थान पर श्वेत चमर, भवों के स्थान पर विद्रुम मणि, स्तनों के स्थान पर नवनीत,
उच्च स्थान पर रेशमी वस्त्र, अक्ष गोलकों के स्थान पर नीलमणि, श्रृंग और श्रृंगाभरण के स्थान पर सुवर्ण एवं खुरों की जगह चांदी रखें। दंत स्थान पर विविध फल और नासिका स्थान पर सुगंधित द्रव्य स्थापित करें। साथ में कांसे की दोहनी भी रखें। द्विजश्रेष्ठ इस प्रकार धेनु की रचना करके निम्नलिखित मंत्रों से उसकी पूजा करें। जो समस्त भूत प्राणियों की लक्ष्मी है, जो देवताओं में भी स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझे शांति प्रदान करें। जो अपने शरीर में स्थित होकर रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध है और शंकर की सदा प्रियतमा पत्नी है, वे धेनु रूप धारिणी देवी मेरे पापों का विनाश करें। जो विष्णु के वक्षा स्थल पर लक्ष्मी के रूप से सुशोभित होती है, जो अग्नि की स्वाहा और चंद्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र देवताओं की शक्ति के रूप में स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। जो चतुर्मुख ब्रह्मा की सावित्री, धनाधक्ष कुबेर की निधि और लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु देवी मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। देवी आप पितरों की स्वधा एवं यज्ञ भोक्ता अग्नि की स्वाहा है, आप समस्त पापों का हरण करने वाली एवं धेनु रूप से स्थित हैं, इसलिए मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार अभिमंत्रित की हुई धेनु ब्राह्मण को दान दे। अन्य सब धेनु दानों की भी साधारणतया यही विधि है। इससे मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर पाप रहित हुआ भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। सोने के सिंगों से युक्त चांदी के खुरों वाली सीधी सादी दुधारू गौ, कांसे की दोहनी, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ देनी चाहिए। ऐसी गौ का दान करने वाला उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कपिला का दान किया जाए तो वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। स्वर्णमय श्रृंगों से युक्त रजत मंडित खुरों वाली कपिला गौ का कांसे के दोहन पात्र और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उभयो तो मुखी गौ का दान करके दाता बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने युगों तक स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। उभयो तो मुखी गौ का भी दान पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। मरणासन्न मनुष्य को भी पूर्वोक्त विधि से ही बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए। अत्यंत भयंकर यमलोक के प्रवेश द्वार पर तप्त जल से युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है, उसको पार करने के लिए मैं इस कृष्ण वर्णा वैतरणी गौ का दान करता हूं। नाना प्रकार के दानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जिसके पास 10 गौवें हों वो 1 गौ, जिसके पास 100 गौवें हों वो 10 गौवें, जिसके पास 1000 गौवें हों वो 100 गौओं का दान करे तो उन सबको समान फल प्राप्त होता है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी, जहाँ स्वर्ण निर्मित भवन है एवं जहाँ गंधर्व एवं अप्सराएं विहार करती हैं, सहस्त्र गौओं का दान करने वाले वहीं जाते हैं। मनुष्य 100 गौओं का दान करके नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है और बछिया का दान करके स्वर्गलोक में पूजित होता है। गोदान से दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इंद्र आदि लोकपालों की मंगलमयी राजमहिषी है, वे देवी इस महिषी दान के महात्म से मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मराज की सहायता में नियुक्त है एवं जो महिषासुर की जननी है, वे देवी मुझे वर प्रदान करें। उपर्युक्त मंत्र पढ़कर महिषी दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वृक्ष दान से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। संयुक्त हल पंक्ति नामक दान समस्त फलों को प्रदान करता है। काठ के बने हुए 10 हलों की पंक्ति जो सुवर्णमय पट्ट से परस्पर जुड़ी हो और प्रत्येक हल के साथ आवश्यक संख्या में बैल भी हो तो उसका दान संयुक्त हल पंक्ति नामक दान कहा जाता है। वो दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में पूजित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में 10 कपिला गवों का दान किया जाए तो उसका फल अक्षय बतलाया गया है। वृषोत्सर्ग करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सांड को चक्र और त्रिशूल से अंकित करके ये मंत्र पढ़कर छोड़े। देवेश्वर तुम 4 चरणों से युक्त साक्षात धर्म हो, ये तुम्हारी 4 प्रियतमाएं हैं, पितरों मनुष्यों और ऋषियों का पोषण करने वाले वेद मूर्ति वृष। तुम्हारे मोचन से मुझे अमृतमय शाश्वत लोकों की प्राप्ति हो। मैं देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण एवं मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाऊं। तुम साक्षात धर्म हो, तुम्हारा आश्रय ग्रहण करने वालों को जो गति प्राप्त होती है वो नित्य गति मुझे भी प्राप्त हो। जिस मृत व्यक्ति के एकादशाह
शाणिस मासिक अथवा वार्षिक श्राद्ध में वृषोत्सर्ग किया जाता है वो प्रेतलोक से मुक्त हो जाता है। 10 हाथ के डंडे से 30 डंडे के बराबर की भूमि को निवर्तन कहते हैं। 10 निवर्तन भूमि की गोचर्म संज्ञा है। इतनी भूमि का दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश कर देता है। जो गौ भूमि और सुवर्ण युक्त कृष्ण मृग चर्म का दान करता है वो संपूर्ण पापों के करने पर भी ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तिल एवं मधु से भरा पात्र मगध देशीय मान के अनुसार 1 प्रस्थ 64 पल कृष्ण तिल का दान करें। इसके साथ उत्तम गुणों से युक्त शैया देने से दाता को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा कर दान करने वाला स्वर्ग में जाता है। विशाल ग्रह का निर्माण करा के उसका दान देने वाला भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। ग्रह मठ सभा भवन धर्मशाला एवं आवास स्थान का दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगता है। गोशाला बनवा कर दान करने वाला पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। यम देवता संबंधी महिष दान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को जाता है। देवताओं सहित ब्रह्मा शिव और विष्णु के बीच में पाशधारी यमदूत की स्वर्णादिमयी मूर्तियां स्थापित करके यमदूत के सिर का छेदन करें, फिर उस मूर्ति मंडल का ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से दाता तो स्वर्गलोक का भागी होता है किंतु इस त्रिमुख नामक दान को ग्रहण करके द्विज पाप का भागी होता है। चांदी का चक्र बनवाकर उसे जल में रखकर उसके निमित्त से होम करें, पश्चात वो चक्र ब्राह्मण को दान कर दें। ये महान काल चक्र दान माना गया है। जो अपने वजन के बराबर लोहे का दान करता है वो नरक में नहीं गिरता। जो 50 पल का लोहदंड वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को दान करता है उसे यमदंड से भय नहीं होता। दीर्घायु की इच्छा रखने वाला मृत्युंजय के उद्देश्य से फल मूल एवं द्रव्य को एक साथ अथवा पृथक पृथक दान करें। कृष्ण तिल का पुरुष निर्मित करें, उसके चांदी के दांत और सोने की आंखें। वो मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथ में खड्ग उठाए हुए लाल रंग के वस्त्र धारण किए जपा पुष्पों से अलंकृत एवं शंख की माला से विभूषित हो। उसके दोनों चरणों में पादुकाएं हों और पार्श्व भाग में काला कंबल। वो काल पुरुष बाएं हाथ में मांस पिंड लिए हो। इस प्रकार काल पुरुष का निर्माण कर ग्रंथादि द्रव्यों से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को दान करें। इससे दाता मानव मृत्यु और व्याधि से रहित होकर राज राजेश्वर होता है। ब्राह्मण को 2 बैलों का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सुवर्ण दान करता है वो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण के दान में उसकी प्रतिष्ठा के लिए चांदी की दक्षिणा विहित है। अन्य दानों की प्रतिष्ठा के लिए सुवर्ण की दक्षिणा प्रशस्त मानी गई है। सुवर्ण के सिवा रजत ताम्र तंडुल और धान्य के भी दक्षिणा के लिए विहित है। नित्य श्राद्ध एवं नित्य देव पूजन इन सब में दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। पितृ कार्य में रजत की दक्षिणा धर्म काम और अर्थ को सिद्ध करने वाली है। भूमि का दान देने वाला महाबुद्धिमान मनुष्य सुवर्ण रजत ताम्र मणि और मुक्ता इन सब का दान कर लेता है, अर्थात इन सभी दानों का पुण्य फल पा लेता है। जो पृथ्वी दान करता है वो शांत अंतःकरण वाला पुरुष पितृलोक में स्थित पितरों को और देवलोक में निवास करने वाले देवताओं को पूर्ण रूप से तृप्त कर देता है। शस्यशाली खरवट ग्राम और खेटक छोटा गांव 100 निवर्तन से अधिक या उसके आधे विस्तार में बने हुए ग्रह आदि अथवा गोचर्म 10 निवर्तन के माप की भूमि का दान करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल बिंदु जल या भूमि पर गिरकर फैल जाता है उसी प्रकार सभी दानों का फल एक जन्म तक रहता है। स्वर्ण भूमि और गौरी कन्या के दान का फल 7 जन्मों तक स्थिर रहता है। कन्यादान करने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। दक्षिणा सहित हाथी का दान करने वाला निष्पाप होकर स्वर्गलोक में जाता है। अश्व का दान देकर मनुष्य दीर्घायु आरोग्य सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दासी दान करने वाला अप्सराओं के लोक में जाकर सुखोपभोग करता है। जो 500 पल तांबे की थाली या 250 पल 125 पल अथवा उससे भी आधे 62/2 पलों की बनी थाली देता है वो भोग तथा मोक्ष का भागी होता है। बैलों से युक्त शकट दान करने से मनुष्य विमान द्वारा
स्वर्गलोक को जाता है। वस्त्रदान से आयु, आरोग्य और अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धान, गेहूं, अगहनी का चावल और जौ आदि का दान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आसन, धातु निर्मित पात्र, लवण, सुगंधि युक्त चंदन, धूप दीप, तांबुल, लोहा, चांदी, रत्न और विविध दिव्य पदार्थों का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। तिल और तिलपात्र का दान देकर मनुष्य स्वर्ग सुख का भागी होता है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान न तो है, न था और न होगा ही। हाथी, अश्व, रथ, दास दासी और ग्रहादि के दान, ये सब अन्नदान की 16वीं कला के समान भी नहीं है। जो पहले बड़ा से बड़ा पाप करके फिर अन्नदान कर देता है, वो संपूर्ण पापों से छुटकर अक्षय लोकों को पा लेता है। जल और प्याऊ का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। शीतकाल में मार्ग आदि में अग्नि और काष्ठ का दान करने से मनुष्य तेजो युक्त होता है और स्वर्गलोक में देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं द्वारा विमान में सेवित होता है। धृत, तैल और लवण का दान देने से सब कुछ मिल जाता है। छत्र, पादुका और काष्ठ आदि का दान करके मनुष्य स्वर्ग में सुख पूर्वक निवास करता है। प्रतिपदा आदि पुष्प पुण्यमयी तिथियों में, विषकुंभ आदि योगों में, चैत्र आदि मासों में, संवत्सरांभ में और अश्विनी आदि नक्षत्रों में विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा लोकपाल आदि की अर्चना करके दिया गया दान महान फलप्रद है। उद्यान, भोजन, वाहन आदि तथा पैरों में मालिश के लिए तेल आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में गौ, पृथ्वी और विद्या का दान, ये तीनों समान फल देने वाले हैं। वेद विद्या का दान देकर मनुष्य पाप रहित हो ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। जो योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, उसने तो मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का दान कर दिया। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है, वो मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुराण, महाभारत अथवा रामायण का लेखन करके उस पुस्तक का दान करने से मनुष्य भोग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र और नृत्य गीत का अध्यापन करता है, वो स्वर्गगामी होता है। जो उपाध्याय को वृत्ति और छात्रों को भोजन आदि देता है, उस धर्म एवं कामादि पुरुषार्थ के रहस्यदर्शी मनुष्य ने क्या नहीं कुछ दे दिया। सहस्र वाजपेय यज्ञों में विधि पूर्वक दान देने से जो फल होता है, विद्यादान से मनुष्य वो संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो शिवालय, विष्णु मंदिर तथा सूर्य मंदिर में ग्रंथ वाचन करता है, वो सभी दानों का फल प्राप्त करता है। त्रैलोक्य में जो ब्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि चार आश्रम है, वे तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्यादान में प्रतिष्ठित है। विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है। गांधर्व आदि उपवेदों का दान करने से मनुष्य गंधर्वों के साथ प्रमुदित होता है। वेदांगों के दान से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और धर्मशास्त्र के दान से धर्म के सानिध्य को प्राप्त होकर दाता प्रमुदित होता है। सिद्धांतों के दान से मनुष्य निसंदेह मोक्ष प्राप्त करता है। पुस्तक प्रदान से विद्यादान के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों और पुराणों का दान करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्यों को शिक्षा दान करता है, वो पुंडरिक याग का फल प्राप्त करता है। जीविका दान के तो फल का अंत ही नहीं है। जो अपने पितरों को अक्षय लोकों की प्राप्ति कराना चाहे, उन्हें इस लोक के सर्वश्रेष्ठ एवं अपने को प्रिय लगने वाले समस्त पदार्थों का पितरों के उपदेश से दान करना चाहिए। जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और गणेश आदि देवताओं की पूजा करके पूजा द्रव्य का ब्राह्मण को दान करता है, वो सब कुछ प्राप्त करता है। देव मंदिर एवं देव प्रतिमा का निर्माण करने वाला समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। मंदिर में झाड़ू, बुहारी और प्रक्षालन करने वाला पुरुष पाप रहित हो जाता है। देव प्रतिमा के सम्मुख विविध मंडलों का निर्माण करने वाला मंडलाधिपति होता है। देवता को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदीक्षिणा, घंटा, ध्वजा, चंदुआ और वस्त्र आदि समर्पित करने से एवं उनके दर्शन और उनके सम्मुख गाने बजाने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। भगवान को कस्तूरी, सिंहलदेशीय चंदन, अगरु, कपूर और मुस्त आदि सुगंधित द्रव्य और विजय गुगुल समर्पित करे और संक्रांति आदि के दिन एक प्रस्थ धृत से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्नान 100 पल का और 25 पल का अभ्यंग मानना चाहिए। महास्नान 1000 पल का कहा गया है।
भगवान को जल स्नान कराने से 10 अपराध, दुग्ध स्नान कराने से 100 अपराध, दुग्ध एवं दधि दोनों से स्नान कराने से 1000 अपराध और धृत स्नान कराने से 10000 अपराध विनिष्ट हो जाते हैं। देवता के उपदेश से दास दासी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी, घोड़े और सौभाग्य द्रव्य देकर मनुष्य धन और दीर्घायु से युक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। विविध काम्य दान एवं मेरुदानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख काम्य दानों का वर्णन करता हूं जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसे काम्य पूजन कहते हैं। वर्ष के समाप्त होने पर गुरु पूजन एवं महापूजन के साथ व्रत का विसर्जन किया जाता है। जो मार्ग शीर्ष मास में शिव का पूजन करके पिष्ट, आटा निर्मित अश्व एवं कमल का दान करता है, वो चिरकाल तक सूर्य लोक में निवास करता है। पौष मास में पिष्टमय हाथी का दान देकर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। माघ में पिष्टमय अश्वयुक्त रथ का दान देने वाला नरक में नहीं जाता। फाल्गुन में पिष्ट निर्मित बैल का दान देकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में दास दासियों से युक्त एवं एक गुड़ से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकाल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाख में सप्तधान्य का दान देकर मनुष्य शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़ में अन्न की बलि देने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। श्रावण में पुष्परथ का दान देकर मनुष्य स्वर्ग के सुखों का भोक्ता होता है। दूसरे जन्म में राज्य लाभ करता है और 200 फलों का दान देने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करके राजपद को प्राप्त होता है। भाद्रपद में धूप दान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में राज्य का उपभोग करता है। आश्विन में दुग्ध और धृत से परिपूर्ण पात्र का दान स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। कार्तिक में गुड़, शक्कर और धृत का दान देकर मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है और दूसरे जन्म में राजा होता है। अब मैं प्रत्येक 12 प्रकार के मेरुदानों के विषय में कहूंगा जो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को मेरु व्रत करके ब्राह्मण को रत्न मेरु का दान करना चाहिए। अब क्रमशः सब मेरुओं का प्रमाण सुनिए। हीरे, माणिक, नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिक मणि, पुखराज, मरकत मणि और मोती, इनका एक प्रस्थ का मेरु उत्तम माना गया है। इससे आधे परिमाण का मेरु मध्यम और मध्यम से आधा निकृष्ट होता है। रत्न मेरु का दान करने वाला धन की कंजूसी का परित्याग कर दे। द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसकी कर्णिका पर मेरु की स्थापना करें। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरु से पूर्व दिशा में 3 दल हैं, उनमें क्रमशः माल्यवान, भद्रवाक्ष तथा ऋक्ष पर्वतों का पूजन करें। मेरु से दक्षिण वाले दलों में निषद, हिमकुट और हिमवान की पूजा करें। मेरु से उत्तर वाले 3 दलों में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगी का पूजन करें तथा पश्चिम वाले दलों में गंधमादम, वैकंक एवं केतुमाल की पूजा करें। इस प्रकार 12 पर्वतों से युक्त मेरु पर्वत का पूजन करना चाहिए। उपवास पूर्वक रहकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु अथवा शिव का पूजन करें। भगवान के सम्मुख मेरु का पूजन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका दान ब्राह्मणों को कर दें। दान का संकल्प करते समय देश काल के उच्चारण के पश्चात कहें, मैं इस द्रव्य निर्मित उत्तम मेरु पर्वत का, जिसके देवता भगवान विष्णु हैं, अमुक गोत्र वाले ब्राह्मण को दान करता हूं। इस दान से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके देवताओं द्वारा सम्मानित हो विमान पर बैठकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्री वैकुंठ धाम में क्रीड़ा करता है। संक्रांति आदि अन्य पुण्य कालों में मेरु का दान करना चाहिए। 1000 पल सुवर्ण के द्वारा महामेरु का निर्माण करावे। वो 3 शिखरों से युक्त होना चाहिए और उन शिखरों पर ब्रह्मा,
विष्णु और शिव की स्थापना करनी चाहिए। मेरू के साथ वाला प्रत्येक पर्वत 100-100 पल सुवर्ण का बनवावे। मेरू को लेकर उसके सहवर्ती पर्वत 13 माने गए हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन की संक्रांति में या सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख स्वर्ण मेरु की स्थापना करें। तदनंतर श्रीहरि और स्वर्ण मेरु की पूजा कर उसे ब्राह्मण को समर्पित करें। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो 12 पर्वतों से युक्त रजत मेरु का संकल्प पूर्वक दान करता है वो उतने वर्षों तक राज्य का उपभोग करता है जितने की इस पृथ्वी पर परमाणु है। इसके सिवा वो पूर्वोक्त फल को भी प्राप्त कर लेता है। भूमि मेरु का दान विष्णु एवं ब्राह्मण की पूजा करके करना चाहिए। एक नगर, जनपद अथवा ग्राम के 8वें अंश से भूमि मेरु की कल्पना करके अवशिष्ट अंश से शेष 12 अंशों की कल्पना करनी चाहिए। भूमि मेरु के दान का भी फल पूर्ववत होता है। 12 पर्वतों से युक्त मेरु का हाथियों द्वारा निर्माण करके 3 पुरुषों सहित उस हस्ति मेरु का दान करें। वो दान देकर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। 15 अश्वों का अश्व मेरु होता है। इसके साथ 12 पर्वतों के स्थान 12 घोड़े होने चाहिए। श्री विष्णु आदि देवताओं के पूजन पूर्वक अश्व मेरु का दान करने वाला इस जन्म में विविध भोगों का उपभोग करके दूसरे जन्म में राजा होता है। गोमेरु का भी अश्व मेरु की संख्या के परिमाण एवं विधि से दान करना चाहिए। 1 भार रेशमी वस्त्रों का वस्त्र मेरु होता है। उसे मध्य में रखकर अन्य 12 पर्वतों के स्थान पर 12 वस्त्र रखें। इसका दान करके मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। 5000 पल धृत का आज्य पर्वत माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत 500 पल धृत का होना चाहिए। इस आज्य पर्वत पर श्री हरि का यजन करें, फिर श्री विष्णु के सम्मुख इसे ब्राह्मण को दान कर मनुष्य इस लोक में सर्वस्व पाकर श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। उसी प्रकार खांड मेरु का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। 5 खारी धान्य का धान्य मेरु होता है। इसके साथ अन्य 12 पर्वत 1-1 खारी धान्य के बनाने चाहिए। उन सब के 3-3 स्वर्णमय शिखर होने चाहिए। सब पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का पूजन करना चाहिए। श्री विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रमाण के अनुसार तिलमेरु का निर्माण करके दशांश के प्रमाण से अन्य पर्वतों का निर्माण करें। उसके एवं अन्य पर्वतों के भी पूर्वोक्त प्रकार से शिखर बनाने चाहिए। इस तिलमेरु का दान करके मनुष्य बंधु बांधवों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिलमेरु का दान करते समय निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। विष्णु स्वरूप तिलमेरु को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, जो सहवर्ती 12 पर्वतों का प्रभु, समस्त पापों का अपहरण करने वाला शांतिमय विष्णु भक्त है, उस तिलमेरु को नमस्कार है। वो मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्पाप होकर पितरों के साथ श्री विष्णु को प्राप्त होता हूँ। ओम नमः। तुम विष्णु स्वरूप हो। विष्णु के सम्मुख मैं विष्णु स्वरूप दाता, विष्णु स्वरूप ब्राह्मण का भक्ति पूर्वक भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु तुम्हारा दान करता हूँ। पृथ्वीदान तथा गोदान की महिमा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं पृथ्वीदान के विषय में कहता हूँ। पृथ्वी 3 प्रकार की मानी गई है। 100 करोड़ योजन विस्तार वाली सप्तद्वीपवती समुद्रों सहित जम्बूद्वीप पर्यंत पृथ्वी उत्तम मानी गई है। उत्तम पृथ्वी की 5 भार सुवर्ण से रचना करें, उसके आधे में कूर्म एवं कमल बनावे, ये उत्तम पृथ्वी बतलाई गई है। इसके आधे में मध्यम पृथ्वी मानी जाती है। इसके 3rd भाग में निर्मित पृथ्वी कनिष्ठ मानी गई है। इसके साथ पृथ्वी के 3rd भाग में कूर्म और कमल का निर्माण करना चाहिए। 1000 पल सुवर्ण से मूल, दंड, पत्ते, फल, पुष्प और 5 स्कंधों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करें। विद्वान ब्राह्मण यजमान के द्वारा संकल्प करा के 5 ब्राह्मणों को इसका दान करावे। इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में पितृगणों के साथ चिरकाल तक आनंद का उपभोग करता है। 500 पल सुवर्ण से कामधेनु का निर्माण करा के विष्णु के सम्मुख दान करें। ब्रह्मा
विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौ में प्रतिष्ठित है। धेनु दान करने से अपने आप समस्त दान हो जाते हैं। ये संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। श्री विष्णु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। कन्या को अलंकृत करके दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें सभी प्रकार के सस्य अनाजों के पौधे उपज सके। ऐसी भूमि का दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक, छोटे गांव का दान देने वाला सुखी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा आदि में वृक्षोत्सर्ग करने वाला अपने कुल का उद्धार कर देता है। नाड़ी चक्र का वर्णन।